डियर स्टूडेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विच आर कॉल्ड लूप्स तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लूप्स अवेलेबल हैं जो इसमें कॉमनली यूज लूप्स हैं वो वाइल है डू वाइल है फॉर है और इनका साइंटेक्ट उसी तरह है जिस तरह हमारे पास सी प्लस प्लस जावा या सी शार्प के अंदर है लेट्स अ लुक एट दिस एग्जांपल्स और इसके अलावा एक हमारे पास चौथी टाइप की लूप है जो सिर्फ एरेज के साथ काम करती है जावा स्क्रिप्ट में ऑल दो दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फॉर ईच की लूप किसी भी तरह की एरे के लिए काम कर लेती है आ, या आ, और एलिमेंट्स के ऊपर भी काम करती है लेकिन जावा के अंदर जो है हमारे पास फॉर ईच की लूप जो है इट इज़ मेथड ऑफ अ एरे वाइल और डू वाइल लूप्स के अंदर क्या होता है वाइल लूप में हम लोग एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जैसे काउंट हमारे पास जीरो है हम लोग एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं काउंट इज़ लेस वाइल काउंट इज़ लेस देन टेन तो जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारे पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता रहेगा इसी तरह हमारे पास डू वाइल है डू वाइल के अंदर ये होता है कि कंडीशन हमारे पास एंड पे चली जाती है आप वाइल कब यूज़ करेंगे डू वाइल कब यूज़ करेंगे वाइल आप तब यूज़ करेंगे वन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो और हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है ये एक मतलब भी एग्जीक्यूट ना हो ठीक है और डू वाइल आप कब यूज़ करेंगे जब आप ब्लॉक को एटलीस्ट एक, एक मतलब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके बाद फिर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने इसको दोबारा रिपीट करना है या नहीं तो आपके पास क्या होगा कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है या नहीं अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोबारा एग्जीक्यूट होंगी इसी तरह हमारे पास फॉर uh, लूप है फॉर uh, लूप के अंदर भी हम लोग जो है वो एक इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट ले लेते हैं वेरिएबल को किसी वैल्यू से इनिशलाइज़ कर देते हैं फिर हम लोग एक कंडीशन देखते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है या नहीं जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये सेट ऑफ़ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता रहता है और हमारे पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास ये पोस्ट लूप ऑपरेशन होता है ये एग्जीक्यूट होता है तो दैट मीन्स हमारे पास फॉर लूप ई जी टू जीरो से शुरू होगी फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद i प्लस प्लस दट मीन्स आई में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर i में जीरो है तो वो बन हो जाएगी ठीक और ये कब तक रिपीट होता जाएगा ये काम जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है जो हमारे पास फॉर ईच लूप है इसका सैंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर लूप्स बाकी लूप्स को तो हम लोगों ने एज आ प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट यूज़ किया था और ईच को जावा स्क्रिप्ट में हम लोग एरे के साथ यूज़ करते हैं देट मीनस लेट्स हमारे पास ये एक एरे है कंट्रीज़ की और इसके अंदर हमारे पास ये कंट्रीज़ हैं अब हम लोग ये चाहते हैं कि जब हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो तो हर एक आइट्रेशन के अंदर हम लोग वन बाय वन कंट्री गेट करें और फिर उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करें जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कनाडा आ जाए फिर फ्रांस आ जाए फिर जर्मनी एंड सो ऑन तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कंट्रीज डॉट फॉर ईच अब देखें इसका सैंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू while डूल while एंड फॉर uh, तो कंट्रीज डॉट फॉर ईच और इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना पड़ता है फंक्शंस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर आइट्रेशन के अंदर क्या हो कि कंट्री जो है वो एज़ वेरिएबल मिल जाए और फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर लें जिस तरह इस एग्जाम्पल में क्या होगा फर्स्ट टाइम जब ये फ़ौर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंट्री के अंदर कैनेडा आ जाएगा हम लोग कौनसोल डॉट लॉग दैट मीनस कौनसोल पे उससे डिस्प्ले कर देंगे फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर कंट्री के अंदर फ्रांस आ जाएगा उसे कॉन्सोल पर लॉक कर देंगे फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जर्मनी आ जाएगा उसे कौनसोल पे लॉक कर देंगे अगर हम लोग इस फंक्शन को दो पैरामीटर्स पास कर दें तो उसमें से एक पैरामीटर हमारे पास वैल्यू बन जाता है और दूसरा पैरामीटर हमारे पास इंडेक्स बन जाता है